Everyone, very good morning to all of you and welcome to Online Ventures Classroom. माय नेम इज़ नेहा जोशी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट गुड मॉर्निंग ए के वर्मा सो टूडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट नंबर सीरीज़ लास्ट वीक मैंने आपको बताया ही था कि हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग नंबर uh, से इनिशिएट करेंगे और आज इसका फर्स्ट सेशन है तो डेफिनेटली बेसिक uh, से ही मैं आप लोगों को समझाऊंगी क्वेश्चन के साथ रिलेट करते हुए हम लोग चलेंगे ठीक है गुड मॉर्निंग श्रुति कैसे हैं आप लोग तो एक बार जल्दी से इस सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी लोग टाइमली ज्वाइन कर लें सेशन और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पार्ट से इनिशिएट करेंगे गुड मॉर्निंग परमार अगर किसी बच्चे के पास अभी तक ऑनलाइन वेंचर्स ऐप नहीं है तो सबसे पहले तो ऑनलाइन वेंचर्स ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए स्टूडेंट्स काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे आप ऑनलाइन बेंचेस का टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें डेली uh, uh, काफ़ी सारे पी और अपडेट्स वहाँ पर स्टूडेंट्स को मिलते हैं तो आपके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी ज़्यादा वो हेल्प करेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं देखो जब हम नंबर uh, के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं तो ऐसे नहीं है कि आपने नंबर्स देखे और आप शुरू हो गए कुछ भी लिखना सबसे पहले आ, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको आपके माइंड में होने चाहिए फिक्स करने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग ही आप अपने क्वेश्चन को इनिशिएट करते हो और उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो राइट right. तो जनरली होता क्या है कि जब भी हमारे पास कोई नंबर का क्वेश्चन होता है तो हमारा सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि हम उनके बीच का डिफरेंस लिखेंगे डिफरेंस का मतलब यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन से है कितना हम प्लस कर रहे हैं कितना हम माइनस कर रहे हैं क्योंकि जो भी आप प्लस माइनस करोगे वो नम आपको नेक्स्ट टर्म कितना ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है ये बता देगा आपने टू ऐड किया आपने फ़ोर ऐड किया आपने सिक्स ऐड किया तो डेफ़िनेटली आप एट ही ऐड करोगे या ऐसे ही अगर हम सब्ट्रैक्शन पे चलेंगे तो वो सेम पैटर्न आपका बनता चला जाएगा तो ये एक सबसे पहला और बेसिक अप्रोच है एक फर्स्ट पॉइंट है जो हर कोई अप्लाई करता ही है लेकिन कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट कि हम इस फर्स्ट डिफरेंस से क्वेश्चन को सेटल नहीं कर पाते उसके पीछे कारण ये है कि नंबर्स शायद इतने डिफरेंस uh, के साथ चल रहे होते हैं कि वो वन लाइन में तो समझ आ ही नहीं पाते हैं कि ये किस तरीके से अगला डिफरेंस आएगा ऐसी सिचुएशन में आपको डबल डिफरेंस लिखना चाहिए डबल डिफरेंस इन सभी पॉइंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है आगे और कुछ मैं एक्स्ट्रा आपको कराऊंगी तो ये प्रैक्टिस होती रहेगी फिर आपकी ठीक है तो एक पॉइंट आपका डिफरेंस है एक आपका डबल डिफरेंस है अगर सिंगल डिफरेंस समझ नहीं आया तो हम डिफरेंस ऑफ डिफरेंस को ही यहाँ पर डबल डिफरेंस कहते हैं नेक्स्ट हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में इंडिविजुअली प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर होगा तो मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड की बात की जाएगी एट द सेम मोमेंट अगर आपको ये लगता है कि ये एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए क्योंकि ना तो ये डिफरेंस सीरीज से सेटल हो रहा है ना एग्जैक्टली exactly ये मल्टीप्लीकेशन uh, ही है लेकिन ये इंक्रीज हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आता है कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन जो आपका मल्टीप्लिकेशन एडिशन का हो सकता है मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन का हो सकता है या फिर हो सकता है कि आप डिवाइड करके कुछ ऐड कर रहे हो या डिवाइड करने के बाद आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ये वो सिचुएशन जहाँ सीरीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है लेकिन प्लस माइनस नहीं है ना डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड है तो आप कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हो गुड मॉर्निंग पूजा दिग्विजय सेम कपिल एंड राजा ये हमारे मेन पॉइंट्स हो गए ठीक है अब एक आता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पर बहुत मुश्किल नहीं है समझना लेकिन स्टूडेंट ध्यान बहुत देर से देते हैं देखते आप लोग कैसे नोटिस करते हो अगर आप डिफरेंस लिख रहे हो या आपने डिफरेंस नहीं लिखा आपको जैसे नंबर्स दिए हैं उनको अगर आप ध्यान से एनालाइज करते हो मीन्स नंबर का नेचर अगर आप एनालाइज करते हो तो आप अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे कहने का मतलब है कि अगर कुछ भी पर्टिकुलर स्क्वायर वैल्यू या क्यूब वैल्यू आपको दी है या उसके क्लोजर उसके आसपास की संख्याएं आपको दी है तो उसे कनेक्ट करना आपको आना चाहिए वन से लेकर थर्टी तक का स्क्वायर और क्यूब नंबर को देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्यूब दिया है स्क्वायर दिया है जिससे आप कनेक्ट कर पाओ राइट अगर सपोज कहीं पर ट्वेंटी फाइव लिखा है तो आना चाहिए ना इसे फाइव स्क्वायर लिखना लिखना आना चाहिए इसे इसी को आप इस ऐसे थ्री क्यूब माइनस टू भी लिख सकते हो तो स्क्वायर और क्यूब वैल्यू से कनेक्ट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है uh, सिर्फ प्लस माइनस के साथ ही नहीं मल्टीप्लिकेशन के साथ भी कर सकते हो जैसे सपोज कहीं पर फोर लिखा है उसके बाद एटीन लिखा है अगला टर्म आपको बताना है ये खैर बहुत छोटा एग्जाम्पल हो गया लेकिन फिर भी फोर को आप लिख सकते हो ना टू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वन 18 को आप लिख सकते हो ना थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टू तो अगला टर्म फोर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थ्री आएगा तो ये पैटर्न तब स्टेब्लिश हो पाएगा जब आपके माइंड में ये पॉइंट होगा कि कुछ भी स्क्वायर और क्यूब की वैल्यूज़ अगर हमें दी गई हैं तो ऐसी सिचुएशन में या उसके क्लोजर अगर दी गई हैं या पूरे सीरीज में एक भी परफेक्ट स्क्वायर आपको दिखाई देता है तो आपको उस उसे इस तरीके से कनेक्ट करना है आई थिंक ये पाँच पॉइंट तो आपको क्लियर है ही सैम uh, स्टार्टिंग से कर रहे हैं सीरीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं uh, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नंबर को लेके बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि हर क्लास में मैं लास्ट में क्वेश्चन होमवर्क दे रही थी नंबर्स के लेकिन स्टूडेंट्स uh, के सॉल्व नहीं हो पाते उन्होंने किया ही नहीं है शुरुआत से तो क्वेश्चन अलग होंगे डोंट वरी आपके लिए तो प्रैक्टिस है अच्छा इसके बाद एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा जिसमें सीरीज़ आपकी डिक्रीज़ हुई और फिर इंक्रीज होती चली गई ये एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जिसे अलग से मैं क्वेश्चन आने पर ही बताती हूं अभी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसके अकॉर्डिंगली आप लोग चलोगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं रेडी है सभी लोग तैयार है सभी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए दिस इज क्वेश्चन नंबर वन आप लोग कोशिश करोगे पहले आप लोग पहले शुरुआत करोगे ठीक है बहुत आसान क्वेश्चन के साथ इनिशिएट किया है मैंने थर्टी फोर एक आंसर मेरे पास सनी का आ भी गया शेयर करो आंसर स्टूडेंट चलो देखते हैं जीरो है वन है फिर वन है फिर टू फिर थ्री फाइव एट थर्टीन ट्वेंटी वन सीरीज इंक्रीज हो रही है और क्वेश्चन मार्क को हमें रिप्लेस करना है तो इनके बीच का डिफरेंस अगर हम लिख लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सेटल हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर लिखते हैं इधर लिखते हैं चलो जीरो है सबसे पहले ज़ीरो है देन वन फिर वन फिर टू फिर थ्री फिर फाइव एट थर्टीन ट्वेंटी वन यहाँ पर बताना है तो जीरो से वन गए तो वन ही ऐड किया वन से वन गए तो कुछ भी ऐड नहीं किया ज़ीरो उसके बाद वन से टू गए तो आपने वन ऐड किया फिर आपने यहाँ पर वन ऐड किया फिर टू ऐड किया फिर थ्री ऐड किया फिर फाइव उसके बाद आप यहाँ पर एट ऐड कर रहे हो अभी कितना ऐड करना है समझना है तो इस लाइन को ही देखना पड़ेगा ना ध्यान से ये लाइन ही तो हमें बताएगी क्या किया है यही लाइन बताएगी तो मैं इन डिफरेंस को ऑब्जर्व करूंगी या तो मैं डबल डिफरेंस लिखूंगी या इस नंबर में कोई ख़ास बात होगी जो हम देखेंगे ठीक है तो ये ज़ीरो आया है यहाँ पर जो थोड़ा सा पैटर्न से अलग दिख रहा है आ, वन के बाद यहाँ पर वन है ठीक है अगले में फिर आप वन ऐड करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो शुरुआत में ज़ीरो और वन को इसलिए आपने ज़ीरो लिखा है देखो ये ज़ीरो क्यों आया है यहाँ पर क्योंकि पिछला टर्म ज़ीरो है तो ज़ीरो और वन वन फिर आप इन दोनों को ऐड करते हो वन और वन तो टू फिर टू और वन को ऐड करते हो तो थ्री फिर थ्री और टू को ऐड करते हो तो फाइव फाइव और थ्री को एट एट प्लस फाइव थर्टीन थर्टीन प्लस एट ट्वेंटी वन तो अब आपको क्या ऐड करना चाहिए ट्वेंटी वन में उससे पिछला नंबर क्योंकि ये जो डिफरेंस हमने लिखा है ये ठीक पिछले नंबर है तो अब ट्वेंटी वन से पहले यहाँ पर थर्टीन है तो आप यहाँ थर्टीन ऐड कर दो और आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा थर्टी फोर विच इज़ ऑप्शन ए राइट इजी क्वेश्चन है चलो टाइमर तो अभी यूज नहीं कर रहे हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं टाइमर यूज करें बताओ हाँ इजी है अभी बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रही हूं सैम टाइमर रखते हैं क्योंकि आप लोग खुद भी तो ट्राई कर रहे हो ना गुड मॉर्निंग कीर्ति पूजा एक बार कोशिश तो करो स्टूडेंट बाकी रेस्ट तो मैं समझाऊंगी आपको ठीक है शेयर करो टाइम ओवर हो गया तो क्या लगता है आपको 476 से 472, फिर 462, सिक्सटी टू फिर 352. ये बहुत क्लोजर नंबर है इनके बीच अगर हम डिफरेंस लिखेंगे तो हम अगले क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर पाएंगे और सीरीज देखो डिक्रीज हो रही है ऑल ओवर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो डिफरेंस केवल लिख लेते हैं ठीक है दिग्विजय डबल डिफरेंस है क्या है मालूम चल जाएगा तो एक बार आप मुझे डिफरेंस बता दो इनके बीच का क्या है 476 से आप 472 जा रहे हो पहला टर्म माइनस फोर ठीक है सैम देखते हैं आंसर 108 आपने मुझे बताया है, आता है या नहीं आप फोर 472 से आप 462 जा रहे हो माइनस टेन आपने किया फिर 462 से आप 434 लिख रहे हो तो आपने यहां पर माइनस ट्वेंटी एट कर लिया ठीक है फोर थर्टी फोर से आप कितना जा रहे हैं थ्री फिफ्टी टू ठीक है 352, तो थ्री फिफ्टी टू हम गए तो यहाँ पर कितना सब्ज्रैक्ट हो रहा है एटी टू अब नेक्स्ट डिफरेंस कितना है जिससे कि हमें नंबर मिल जाए ये जानना था तो ये समझ नहीं आ पा रहा है क्या करें डबल डिफरेंस निकाल लेते हैं फिर एक डिफरेंस और निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए तो ये फोर से अगर आप टेन जाते हो सिंबल माइनस को हटा दो क्योंकि माइनस तो हम कर ही रहे हैं आपने सिक्स से इंक्रीज़ किया है इस टर्म को ठीक है आप टेन से ट्वेंटी एट जाते हो तो आप एटीन से इंक्रीज कर रहे हो आप ट्वेंटी एट से एटी टू जा रहे हो स्टूडेंट तो आप यहाँ पर इसे फिफ्टी फोर से इंक्रीज़ कर रहे हो तो अब हम यहाँ पर कुछ ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा अब तुम यहाँ से समझ पा रहे हो देखो मल्टीप्लाई बाई थ्री है ये सिक्स मल्टीप्लाई बाई थ्री एटीन 18 मल्टीप्लाई बाई थ्री फिफ्टी तो 54 फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री आप यहाँ पे करोगे कितना आ जाएगा बताओ 54 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 162 आएगा ये 162 सिक्सटी यहाँ पर 82 में ऐड होना चाहिए जो यहाँ 352 से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये तीन लेयर में चला गया पूजा बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है तो 244 आप सब्ट्रैक्ट कर दो और 108 हमारा आंसर निकल के आएगा तो क्वेश्चन टफ नहीं होता है नंबर्स हाँ वन हंड्रेड एट सही था पूजा क्यों सब हटा दिया ठीक था वो ये क्वेश्चन uh, डिफिकल्ट नहीं है प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब वन लाइन में डिफरेंस लिखते हैं ना यहाँ पर इस जगह पर जब हम होते हैं और आपको नंबर समझ नहीं आते हैं तो आप उसके आगे का चेकिंग नहीं करते हो आप डबल डिफरेंस निकाल लिया करो वो डबल डिफरेंस होगा या आगे चल के मल्टीप्लीकेशन कुछ होगा जैसे मैंने यहाँ पर डबल डिफरेंस निकाला फिर मुझे ये मल्टीप्लीकेशन दिखाई दिया ठीक है रेडी है अगले क्वेश्चन के लिए चलो करो देखो जो भी आता है आपका आंसर डिक्रीज हो रहा है बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया है मैंने अभी डबल ऑपरेटर्स वाला कोई क्वेश्चन नहीं है शुरुआत में तो यहाँ से सीरीज़ की प्रैक्टिस स्टार्ट समझते हुए करोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में आप क्या लगता है स्टूडेंट 45,000 से 1800 देन 90, देन 6, देन 0.6 पूरी सीरीज़ डिक्रीज़ हो रही है आंसर भी आ गया है राजा एंड सनी का तो हम यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्शन करें सब्ट्रैक्शन करके कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा सीरीज इतना अचानक से नीचे गिर रही है कि हम यहाँ पर डिवाइड ही करेंगे उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए राजा देखते हैं स्टूडेंट क्या आंसर आया था आपका ऑप्शन सी 0.03 आपने दिया था कुछ कैलकुलेशन मुझे लग रहा है गलती हो गई आपसे कोई बात नहीं तो ये बताओ कि इधर फोर्टी से एटीन लाने के लिए आप इसे कितने से डिवाइड करोगे ट्वेंटी से 1800 से 90 लाने के लिए आप इसे 20 से डिवाइड करोगे 90 से 6 लाने के लिए डिवाइड बाय 15, 6 को 0.6 लिखने के लिए डिवाइड बाय 10. तो अभी कितने से हम डिवाइड करें यहाँ पर बताओ 25, देन 20, देन 15, देन 10. तो अभी 5 होना चाहिए अब 0.6 को तुम 5 से डिवाइड करोगे तो 0.03 नहीं आएगा पॉइंट वन टू आएगा जो ऑप्शन डी में है तो आंसर ऑप्शन डी है ठीक है कीर्ति ठीक से कैलकुलेट करो ऑप्शन डी आंसर बनेगा ठीक है चलो अगला करते ये ट्वेंटी बेस बनाओ स्ट्रॉन्ग, उसके बाद फिर और भी क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा सा स्पीड पर भी ध्यान देना है स्टूडेंट आप लोगों को स्पीड भी बढ़नी चाहिए सिक्स ट्वेंटी एट सिक्स ट्वेंटी एट ऑप्शन तो है ऑप्शन बी मृत्युंजय अच्छा चलो एक नेचर समझते हैं इस क्वेश्चन का पहले नाइन से एट सीरीज डिक्रीज हुई एट के आगे सीरीज लगातार बढ़ती चले गई देखो नाइन से एट माइनस वन करेंगे हम एट के आगे प्लस सिक्स फिर प्लस 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 आगे प्लस ही होता चला जा रहा है तो सीरीज तो सिमेट्रिकल होती है या तो वो डबल डिफरेंस में वो माइनस वन का अगला पार्ट जो है प्लस सिक्स वाला वो बैलेंस करे कि फाइव से इंक्रीज हुआ फिर टेन से फिर इस तरीके से अगर सपोज ऐसा नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का हमेशा बहुत आसान रहता है दो तरीके होते हैं आप ऐसी सिचुएशन में मल्टीप्लीकेशन और माइनस का कॉम्बिनेशन बनाओ ठीक है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और माइनस करोगे शुरुआत में डिक्रीज होगा आगे बढ़ेगा भी तो जो भी तुम जितना भी तुम माइनस कर रहे हो शुरुआत में उतने को भी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख लो आप यहाँ पर माइनस वन लिख रहे हो तो उसको मल्टीप्लाई वन माइनस वन कर दो तो नाइन से एट गए आप माइनस मल्टीप्लाई बाय वन माइनस वन आपने किया एट से फोर्टीन गए एट इंटू टू माइनस टू आपने किया देन मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस थ्री है मल्टीप्लाई बाय फोर माइनस फोर है तो अब आपका जो क्वेश्चन सेटल होगा वो मल्टीप्लाई बाय फाइव माइनस फाइव से सेटल होगा अब इसमें कैलकुलेशन एरर अगर है तो फिर क्या कर सकते हैं आप इसे फाइव से मल्टीप्लाई करोगे तो सेवन हंड्रेड सिक्सटी आएगा माइनस फाइव हम अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर सेवन फिफ्टी फाइव ऑप्शन ए होना चाहिए ठीक है हां जी बिल्कुल सही आंसर है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव बफरिंग नहीं है पूजा बिल्कुल भी ऑप्शन ए आप मुझे बता रहे हैं कीर्ति ऑप्शन ए ट्वेंटी वन है सीरीज तो ये भी डिक्रीज हो रही है क्या करोगे बताओ ऐसी सिचुएशन में अगर ये सीरीज डिक्रीज हो रही है और तुम्हें ऐसा लगता है कि ये डिफरेंस से नहीं होगा तो आप डिवाइड और एडिशन या डिवाइड और सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन बना सकते हो जो मैंने आपको पॉइंट नंबर फोर लिखाया था कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स वो आपका यहाँ पे वर्क कर सकता है चेक करके देखो क्या कॉम्बिनेशन से बन रहा है या फिर डबल डिफरेंस हो सकता है अच्छा 192 से 108 लाना है 192 का हाफ exactly तो नहीं है, लेकिन अगर मैं 192 का हाफ कर दूं और फिर कुछ एडिशन करूं तो 108 आ सकता है कर सकते हैं हम एक बार आप मुझे चेक करके बताओ कि अगर 192 से 108 क्योंकि सीरीज डिक्रीज हो रही है लगातार अच्छा पहले का था कीर्ति कोई कोई बात नहीं कोई बात नहीं सेवेंटीन आंसर है इसका ठीक है सैम देखते हैं ये बताओ क्या इसे डिवाइड बाई टू से कनेक्ट करके लिख सकते हैं बताओ मुझे अगर आप इसे आप डिवाइड बाई टू करते हो तो वन नाइन्टी टू को डिवाइड बाई टू करोगे कितना आएगा नाइनटी सिक्स आएगा हाँ डबल डिफरेंस हो सकता है तो यहाँ पर ट्वेल्व एड करना पड़ेगा सैम एक प्रोसेस आपने अप्लाई किया है स्टूडेंट डिफरेंस लिख करके क्योंकि सीरीज डिक्रीज हो रही है हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो एक बार मुझे बताइए क्या इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है करो 108 से 64 लाने के लिए फिर अगर हम इसका हाफ कर दें डिवाइड बाई टू तो कुछ प्लस करेंगे या माइनस करेंगे जल्दी से चेक करके बताना फिफ्टी आएगा तुम्हें 64 लिखना है प्लस टेन आप करोगे तो फिर अगर हम इसको डिवाइड बाय टू करेंगे तो कर सकते हैं ना तो डिवाइड बाई टू करोगे तो थर्टी टू आएगा तुम्हें तो लिखना है सिक्सटी कितना लिखना है फोर्टी प्लस एट करोगे तो फोर्टी आएगा अगेन डिवाइड बाई टू अगर हम करेंगे तो ट्वेंटी आएगा तुम्हें तो लिखना है ट्वेंटी सिक्स है तो आप प्लस सिक्स करोगे यहाँ पर तो ये ऐसे भी सीरीज़ बन रही है डिवाइड बाई टू तो हम करेंगे ही यहाँ पर ट्वेल्व टेन एट सिक्स के बाद अब यहाँ पर प्लस फोर करेंगे या फिर तुम्हें अगर ऐसे नहीं दिखा था और तुम डिफरेंस ही लिख रहे थे तो आप डिफरेंस ऑफ डिफरेंस यानी कि डबल डिफरेंस के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या फिर आप ऐसे कर सकते हो आपकी चॉइस है आंसर एक ही आएगा डबल डिफरेंस से ज्यादा बेटर लग रहा है सनी हाँ तो वैसे ही करो प्रोसेस अप्रोच अप्रोच वो अच्छी लगती है स्टूडेंट जिससे हमारा आंसर इजी आए जो आपको पहले नजर आएगा आपको वो आसान लगेगा फिर चाहे उसमें चार लेयर क्यों ना हो ऐसा ही होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें लिखे ठीक है ये तो जस्ट मैंने आपको समझाया है कि आ, मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रही थी ना पिछले क्वेश्चन में तो यहां पर भी उसी को कनेक्ट करते हुए तो 26 का हाफ आप करोगे आंसर ही आएगा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए पहले कोशिश करो एक बार फिर इसमें एक पॉइंट भी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे राधे राधे कल्पना थोड़ा सा लेट हो गया सेशन में सेशन टाइम टेन एम है ओके दस बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है आपकी सैम आपने तो पढ़ा है ये आप तो मुझे इसका आंसर बता सकते हो चार क्लासेस ली थी ना आपकी मैंने नंबर्स की याद है मुझे चार पांच क्लासेस पाँच में से चार नंबर पर बेच ली थी एक लेटर पर तो आपका आंसर तो आना चाहिए इस पर ओके क्लास टाइम टेन एम है ठीक है मंडे टू फ्राइडे टॉपिक सैटरडे एक प्रीवियस ईयर या एक मॉक टेस्ट डिस्कशन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन का सुबह दस बजे फोर्टी फोर आंसर राजा ने दिया है चलो मैं एक पॉइंट बताती हूं और ध्यान से इस पॉइंट को नोट करना सुनना समझना फिर अप्लाई करना टफ लग रहा है श्रुति टफ नहीं है एक पॉइंट है इस पर जो आपने सुनना है देखो क्या हम हमेशा नंबर्स को देखते ही डिफरेंस लिखना शुरू नहीं करते अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम है क्योंकि ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन डिफरेंस पर सेटल हो कुछ और टेक्निक भी हो सकती है इसलिए हमेशा ये एडवाइजेबल है कि आप नंबर्स को प्रॉपर एनालाइज करो देन कुछ अप्लाई करने की कोशिश करो तो क्या हो रहा है कि एटीन के बाद एट से सेवन तक तो ये सीरीज डिक्रीज़ हो रही है उसके बाद सेवन से आगे सीरीज इंक्रीज हो रही है एक पॉइंट मैं यहाँ साइड में लिखती हूँ सीरीज़ डिक्रीज हो रही है सीरीज इंक्रीज़ हो रही है ठीक है एक प्रॉब्लम ये है हाफ सैम कर लो दूसरा एक प्रॉब्लम यहाँ पर एक पॉइंट में भी आ रहा है ये ये दो पॉइंट है स्टूडेंट जो आप यहां पे नोट करो पहले ठीक है अब क्या होता है कि ये जो पहला वाला पॉइंट है सीरीज डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई तो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया जहां पर मैंने आपसे कहा कि मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रेक्शन का कॉम्बिनेशन बना लो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा

उसके बाद फिर वन वन पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट फाइव ऐसे चलेगा तो आगे वाली सीरीज़ लगातार इंक्रीज होगी तो ये जो एरो मैंने बनाए ये सेटल हो जाएंगे दूसरा पॉइंट वैल्यू भी 0.5, 1.5, 2.5 तभी आ सकती है 1, 2, 3, 4, 5 से तो नहीं आ सकती तो अब एक बार करके देखते हैं 18 से 8 आया है तो 18 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आएगा माइनस वन अगर आप करोगे तो एट आ जाएगा ठीक है देन एट से सेवन लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय वन माइनस वन ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर इसको अगला वन पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई किया माइनस वन किया देखो नाइन पॉइंट फाइव आ रहा है नहीं देन नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय टू माइनस वन चेक करके देखो आपका अगला टर्म एटीन आ रहा है नहीं अगर ये सेटल हो रहा है सब कुछ तो आप नेक्स्ट टर्म एटीन मल्टीप्लाई बाई टू पॉइंट फाइव माइनस वन करोगे अगर ये सब सेटल है तो यहाँ पर फिर ये मल्टीप्लाई बाय टू पॉइंट फाइव माइनस वन होगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म पॉइंट वन से इंक्रीज हो रहा है और माइनस वन ऑल ओवर सेम चलता जा रहा है तो ये क्यों अप्लाई किया क्योंकि हमें ये दो कारण मिले अदरवाइज हम पॉइंट वाला चेक करने वाले यहां पर नहीं थे ठीक है तो आंसर कितना आ गया फोर्टी फोर ऑप्शन डी ठीक है समझ आ गया ना तो अब अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो टू फिफ्टी टू थर्टी फाइव टू हंड्रेड फाइव वन सिक्सटी क्वेश्चन मार्क एंड ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है चेक करके देखो एक बार हंड्रेड अच्छा क्यों आया हंड्रेड अच्छा पहले आंसर कर लो सभी लोग फिर देखते डिफरेंस से हो जाएगा हंड्रेड और वन हंड्रेड टेन बताइए ठीक है तो डिफरेंस लिखते हैं और डिफरेंस कैसे है माइनस फिफ्टीन माइनस थर्टी देन माइनस फोर्टी फाइव तो ये जो डिफरेंस है ये की टेबल है या डबल डिफरेंस में आप और बोल दो कि फिफ्टीन सब्ट्रैक्ट हो रहा है फिफ्टीन देन फिफ्टीन इंटू टू फिफ्टी इंटू थ्री फिफ्टीन इंटू फोर तो अब आपको यहां पर सिक्सटी सब्ट्रैक्ट करना चाहिए तो आंसर हंड्रेड आएगा फिर हम 75 फाइव से करेंगे आंसर 25 फाइव आएगा है पूरी सीरीज 15 का हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन आपका 100 ऑप्शन डी में है आगे बढ़े तो सभी लोग एक बार सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो हर दिन क्लास में कुछ नए स्टूडेंट्स ऐड होने चाहिए आप लोग इस सेशन को शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ सेशन को लाइक करिए और जो बच्चे नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऑनलाइन बेंचर्स एस एंड रेलवे एग्जाम्स बेल आइकन प्रेस करें हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर एट बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट ध्यान से लिखो ओके सैम दैट्स ग्रेट बताइए कोई आंसर नहीं आया अभी तक क्या ये मुश्किल क्वेश्चन है शुरुआत में ही डिफरेंस नहीं पता चलेगा तो यहाँ पर लिख लो डिफरेंस उसके बाद आप बता पाओगे कि सीरीज है क्या 29 से फोर्टी लाने के लिए इलेवन ऐड करना पड़ेगा करेक्ट यहाँ 29 है ना देन फोर्टी है तो आप इलेवन ऐड करोगे उसके बाद 40 से कितना है 58 है तो 18 ऐड करना पड़ेगा फिर फिफ्टी से हम कितना ला रहे हैं एटी फाइव तो ट्वेंटी सेवन ऐड करना पड़ेगा आंसर ट्वेंटी सेवन है ओके ट्वेंटी सेवन ऑप्शन सी है हो सकता है आंसर देख लेते हैं फिलहाल ये नंबर्स देखो शुरुआत में यहाँ पर ट्वेंटी है इस जगह पर तुम्हें बताना है कितना ऐड कर रहे हो आप डबल डिफरेंस निकालो ना समझ में आ जाएगा आप यहाँ पर आप 11 से एटीन जा रहे हो तो आप सेवेन ऐड कर रहे हो यहाँ पर फिर आप अगला एटीन से ट्वेंटी uh, सेवन uh, चले गए हो तो कितना ऐड कर रहे स्टूडेंट नाइन नाइन सेवन और नंबर्स दिख रहे हैं डबल डिफरेंस में नाइन इधर सेवन तो इधर फाइव होना चाहिए इधर थ्री होना चाहिए तो इलेवन माइनस फ़ाइव अगर आप करोगे तो यहाँ पर सिक्स होना चाहिए सिक्स माइनस थ्री करोगे तो यहाँ थ्री होना चाहिए तो जब हम रिवर्स चले तो मुझे ऐसा दिखाई दिया तो फिर तो ट्वेंटी प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री आएगा आंसर ट्वेंटी थ्री प्लस सिक्स तब ट्वेंटी नाइन होगा फिर आपका ये प्लस इलेवन तो ये डबल डिफरेंस में थ्री फाइव सेवन नाइन बना तो आंसर ट्वेंटी थ्री है विच इज इन ऑप्शन ए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है आंसर ट्वेंटी थ्री बनेगा ठीक है चलो आगे बढ़े तो नंबर्स को पहले देखो फ़ाइव है सेवन है 17 है फिफ्टी फ़ाइव है टू ट्वेंटी फाइव है तो फिफ्टी फ़ाइव के बाद सडन इंक्रीज़ है और देन क्वेश्चन मार्क में नाइन uh, हंड्रेड और वन थाउजेंड में ऑप्शन दिए हैं टाइमर शुरू करते हैं जो भी आपको लगता है आप मुझे बताइए मृत्युंजय आपने आंसर शेयर किया इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वन थाउजेंड फोर थर्टी फाइव अच्छा अच्छा ये बताओ क्या डिफरेंस लिखे या मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचें दोनों चॉइस है हो सकता है डिफरेंस में डबल डिफरेंस लिखना पड़े और डबल डिफरेंस में हमें समझ में आए कि मल्टीप्लिकेशन हो एक काम करते हैं पहले लाइन में ही हम डिफरेंस को सोच ना सोच करके मल्टीप्लिकेशन सोचते हैं तो मल्टीप्लिकेशन अगर सोचना है तो फाइव से सेवन तो प्लस टू होता है तो प्लस टू अगर नहीं लिखना चाहते हो तो मल्टीप्लाई बाय वन प्लस टू लिखो और तो कोई प्रोसेस नहीं हो सकता इसमें या फिर मल्टीप्लाई बाय बाई ट्री लिखो दोनों चॉइस है तो पहले प्लस टू को मल्टीप्लाई बाय वन प्लस टू ही करके देखते हैं सेटल होता है या नहीं फाइव सेवन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस टू ठीक है सेवन से सेवनटीन तो क्या करें मल्टीप्लाई बाई टू कर देते हैं फोर्टीन प्लस थ्री मल्टीप्लीकेशन एडिशन का कॉम्बिनेशन बना रहे हम मल्टीप्लाई बाई वन मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई थ्री होगा ना अभी और प्लस टू प्लस थ्री के बाद अब प्लस फोर होगा तो यहां फिफ्टी फाइव आ गया मल्टीप्लाई बाई फोर प्लस फाइव होना चाहिए तो अगर आप 55 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो 220 ट्वेंटी प्लस फाइव तो टू आता है ये बिल्कुल हमारा सही चल रहा है तो नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई फाइव प्लस सिक्स होगा मल्टीप्लीकेशन एडिशन का कॉम्बिनेशन अब 225 को 5 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करोगे तो 1435 नहीं आएगा 1131 आएगा बिल्कुल 1131 करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है आगे बढ़ते तो नंबर है टेन सिक्स एट फिफ्टीन थर्टी फोर एंड क्वेश्चन मार्क तो टेन सिक्स एट क्वेश्चन नंबर टेंथ ही है ये स्टूडेंट टेन सिक्स एट तो शुरुआत में तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन कुछ पॉइंट में तो दिया नहीं है तो आराम से आ, सोचते हुए चलना कि हम पॉइंट वाला यूज कर सकते हैं क्योंकि डिविजिबल होगा तो ज़रूरी नहीं है पॉइंट में आए लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पर यह सीरीज शुरुआत में डिक्रीज होके लगातार इंक्रीज हो रही है पूजा श्रुति आंसर शेयर करो दोनों लोग श्रुति पिछले बार ऐसा एक क्वेश्चन दिया था समझ नहीं आया था वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया तो अभी आप आंसर कर सकते हो उसका एरो भी बनाया है ध्यान से देखो समझो बताओ मुझे नाइन्टी नाइन्टी ऑप्शन तो है सैम प्रोसेस क्या है मुझे तो जानना ये है बेसिकली कि तुम कर क्या रहे हो डिफरेंस लिख रहे हो डबल डिफरेंस लिख रहे हो मल्टीप्लीकेशन एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन बना रहे हो कर क्या रहे हो क्या यहाँ पॉइंट वाला केस लग सकता है क्योंकि ये सीरीज डिक्रीज़ होकर फिर इंक्रीज हो रही है लगना चाहिए सैम ठीक है चलो देखते हैं फिर तो टेन देन सिक्स मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो पॉइंट फाइव अगर हम करेंगे तो फाइव हो जाएगा एंड प्लस वन करने से हमें सिक्स मिलेगा देन सिक्स uh, से अगला टर्म हमें एट लाना है तो हम जानते हैं कि अगर मल्टीप्लाई बाय पॉइंट फाइव या वन पॉइंट फाइव किया तो कोई फ़ायदा नहीं है मल्टीप्लाई बाय वन ही करते हैं तो सिक्स इंटू वन सिक्स है प्लस टू हमें करना पड़ेगा तो दो सीरीज है एक ये मल्टीप्लीकेशन वाली और एक ही एडिशन वाली तो अगले में फिर हम वन पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करके थ्री ऐड कर रहे होंगे चेक करके देखो एट इंटू वन पॉइंट फाइव प्लस थ्री फिफ्टीन होता है तो नेक्स्ट में फिर मल्टीप्लाई बाय टू करके हम प्लस फोर कर रहे होंगे तो फिफ्टीन इंटू टू थर्टी प्लस फोर थर्टी फोर आपका यहाँ पर बनेगा तो अब जो हमारा टर्म है वो मल्टीप्लाई बाय टू पॉइंट फाइव प्लस फाइव होना चाहिए करेक्ट तो अब थर्टी फोर को आप टू पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करो और फाइव ऐड करो तो आंसर नाइन्टी आएगा बिल्कुल सही आंसर था दोनों का दिग्विजय एंड सैम वेरी करेक्ट आंसर वेल डन स्टूडेंट गुड गोइंग रेडी फॉर नेक्स्ट ये सभी के समझ आ गया होगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो क्वेश्चन नंबर 11 पर जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टोटल 20 क्वेश्चन है उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं स्टूडेंट जो मैंने शीट में आपके लिए बनाए हैं uh, तो वन बाय वन एक एक स्टेयर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे क्वेश्चन लेवल को इंक्रीज भी करेंगे ठीक है तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एंकर एस एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में एडमिशन लेना चाहते हैं ये एक कम्प्लीट वन ट्वेंटी डे मास्टर कोर्स है जो एस एस सी के सभी एग्जाम्स को कवर करेगा फिर चाहे आप सी एच एस एल की बात करो सी जी एल टीयर वन टीयर टू की सी पी ओ की तो इनको ध्यान में रखते हुए इस बैच को लॉन्च किया गया है ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर से फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने जा रही है विच इज़ द डे वन ऑफ अकॉर्डिंग टू स्टडी प्लान कोर्स की वैलिडिटी वन ईयर की है कोर्स प्राइस टू ट्रिपल नाइन है लेकिन ऑफ़र प्राइस टू फोर नाइन नाइन है जो ट्वेंटी एट दिसंबर मिड नाइट तक ही केवल है उसके बाद फिर कोर्स का जो प्राइस है वो टू ट्रिपल नाइन हो जाएगा दीज आर फैकल्टी मेम्बर्स हाँ कीर्ति आपने मुझे बताया था सैटरडे में तो अभी एक बार मैं डिस्कस करूंगी तो नेक्स्ट जब सेशन होगा तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ठीक है मैं आगे इसे कम्युनिकेट कर दूंगी मुझे याद है आपकी बात सैटरडे आपसे डिस्कशन हुआ था ना ठीक है इस कोर्स के फीचर्स क्या हैं एक बार ये भी मैं आपको बता देती हूँ इसमें थ्री ट्वेंटी प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी फाइव हंड्रेड प्लस लाइव आवर्स आप पढ़ोगे टू फिफ्टी प्लस पी आपको मिलेंगे सिक्स थाउजेंड प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं ट्वेंटी प्लस मॉक टेस्ट हैं डाउट सोल्यूशन आपका होगा क्लास में आप लाइव डाउट सोल्यूशन बोल सकते हो उसको और आप ऐप और वेबसाइट पर लाइव सेशंस देख सकते हैं ठीक है स्टूडेंट जो बच्चे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं जो यूट्यूब पर क्लासेस लेते हैं उनके लिए भी हमारे पास एक प्लान है एस एस सी सी जी एल सी एच एस एल इन सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए मंडे टू संडे सेवन थर्टी एम करेंट अफेयर की क्लास होती है एवरीडे मंडे टू सैटरडे एट एम डेली वकैप क्लास मंडे टू फ्राइडे टॉपिक वाइज आप टेन एम मेरे साथ रीजनिंग क्लास ज्वाइन करेंगे और इन सैटरडे में हम लोग मॉक टेस्ट रखेंगे तो ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन का एक कम्प्लीट मॉक टेस्ट सैटरडे होगा ठीक है देन इलेवन एम जनरल साइंस एक्सप्रेस फाइव पीएम जनरल अवेयरनेस एंड सिक्स पी एम ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल क्लासेस तो ये यूट्यूब का प्लान है जो आपके साथ मैंने शेयर किया अगला क्वेश्चन नंबर इलेवन आपके सामने है जल्दी से मुझे इसका आंसर मिलना चाहिए क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बताइए क्या लगता है आपको 85, 53, 33, 22, 17 के बाद क्वेश्चन मार्क क्या आना चाहिए यहां पर कल्पना एंड रोहन 15 आंसर आ गया है दोनों का ठीक है तो डिफरेंस किया है डिफरेंस लिखा है इनके बीच का अच्छा नहीं नाइन आएगा चारों में से कोई तो एक होगा ना कुछ तो होगा ही डिफरेंस बताओ कितना लिखा आपने 85 है पहला टर्म फिर 53 है तो 32 टू कर रहे हो आप फर्स्ट इनिशियली देन 53 के बाद अगला टर्म 33 है तो आप यहाँ पर 20 सब्ट्रैक्ट करते हो देन 33 के बाद नेक्स्ट टर्म uh, 22 है तो आपने 11 सब्ट्रैक्ट किया ठीक है 22 से फिर आप 17 जा रहे हैं यहाँ पर तो माइनस कर रहे हैं आप तो आप कितना सब्ट्रैक्ट करोगे देखो डबल डिफरेंस लिख लो थर्टी टू ट्वेंटी इलेवन फाइव अब क्या होगा डबल डिफरेंस करो बिल्कुल तो अब माइनस टू करना चाहिए वेरी राइट तो अगर आप यहाँ पर माइनस टू करते हो तो आंसर फिफ्टीन आएगा नाइन नहीं आएगा क्वेश्चन डबल डिफरेंस पर बेस्ड है इजी क्वेश्चन है काफी ठीक है चलो आगे बढ़े तो सिक्सटीन सेवनटीन ट्वेंटी वन थर्टी फोर्टी सिक्स देन क्वेश्चन मार्क सिक्सटीन सेवनटीन ट्वेंटी वन थर्टी फोर्टी सिक्स सीरीज इंक्रीज हो रही है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अचानक से नहीं बढ़ रही है इसलिए डिफरेंस लिखना काफ़ी फ़ायदेमंद होना चाहिए तो अगर आप इनके बीच का डिफरेंस भी लिख लोगे तो भी आपका क्वेश्चन सेटल हो जाएगा रोहन का आंसर एटी टू ए के वर्मा एंड सनी दोनों का आंसर सेवेंटी वन कीर्ति सेवेंटी वन ओके तो तीन लोगों का आंसर सेवेंटी वन है आप बताओ कि मुझे क्या किया है आपने यहाँ पर स्क्वायर विद डिफरेंस वेरी राइट सैम एटी आर आंसर अच्छा चलो देखो 16 से 17 तो सिर्फ वन ही ऐड करते हो आप केवल प्लस वन सेवनटीन से ट्वेंटी जा रहे हैं तो आप प्लस फोर कर रहे हो ठीक है देन ट्वेंटी वन से थर्टी अगर हम आते हैं तो प्लस नाइन उसके बाद थर्टी से फोर्टी सिक्स अगर हम आते हैं तो प्लस सिक्सटीन तो ये जो नंबर्स हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वन फोर नाइन सिक्सटीन ये सभी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हैं इसको आप वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर तो आप फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव यहाँ पर ऐड करो और फोटी सिक्स में ट्वेंटी फाइव अगर आप ऐड करोगे तो सेवेंटी वन आएगा हाँ सेवेंटी वन आएगा ठीक है लॉजिक सही है तो फिर आंसर कैलकुलेशन में गलती क्यों हो रही है सेवेंटी वन आएगा ना ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है आप सबका आंसर सही है कोई बात नहीं सॉरी का सॉरी का कोई इश्यू नहीं है आप लोग आराम से बस कैलकुलेट ठीक से किया करो क्योंकि क्या होता है ना स्टूडेंट जो गलतियां आप यहां पर क्लास में करते हो जो जल्दबाजी में आपका आंसर यहां पर आता है ऐसा एग्जाम में भी होता है और एग्ज़ाम में आपको मालूम नहीं चलता है तो ध्यान रखना है सभी लोगों को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन टू देन अगैन टू देन फोर ट्वेल्व फोर्टी एट देन क्वेश्चन मार्क रोहन चौकी आप आंसर बताओ अगले क्वेश्चन का और गलतियां कम करो थोड़ा सा कैलकुलेशन में बहुत गलतियां करते हो आप लोग सारा लॉजिक सही है तो फिर कैलकुलेट करने में इतनी गलतियां तो ठीक नहीं है ना बताओ क्या लगता है आंसर 240 240 कंफर्म चलो सभी लोग टू फोर्टी ही बता रहे हैं तो क्या लग रहा है कि मल्टीप्लीकेशन सीरीज होनी चाहिए गर्ल्स आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो आप कीर्ति ठीक है मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर तो अभी मल्टीप्लाई बाय फाइव होगा डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है तो हमारा आंसर डेफिनेटली टू फोर्टी आएगा ऑप्शन सी ईजी है ठीक ठीक है पूजा नेक्स्ट टेन फोर्टीन ट्वेंटी थ्री थर्टी सेवन फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन मार्क रीजनिंग सेम ही होगी किसका क्वेश्चन है कुछ पूछा है क्या हाँ कीर्ति बिल्कुल उसमें बस ये चेक कर लेना टॉपिक वाइज चेक कर लेना कौन सा टॉपिक है क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना तो हाँ कीर्ति देख लिया मैंने नोटिस कर लिया मैंने आपका क्वेश्चन टॉपिक देख लेना अगर टॉपिक है तो आएगा बिल्कुल ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है करो एटी सेवेंटी फोर दो दो आंसर बता रहे हो एटी भी बता रहे हो सेवेंटी फोर भी बता रहे हो और वन हंड्रेड एटीन और नाइन्टी फोर भी बता दो वो भी है ना दो ऑप्शन एटी आर है अच्छा चलो डिफरेंस बताओ मुझे यहाँ पर टेन से अगला टर्म कितना है आपका टेन से फोटीन तो आप फोर ऐड कर रहे ठीक है नेक्स्ट फोर्टीन से आप ट्वेंटी थ्री जाते हो तो आप नाइन ऐड करते हो तो अभी तो मुझे ये स्क्वायर दिख रहा है स्टूडेंट टू स्क्वायर एंड थ्री स्क्वायर दिखाई दे रहा है मुझे देन 23 से 37 जाते हैं तो कितना होगा 14 अब स्क्वायर स्क्वायर नहीं है ये वाला लॉजिक खत्म हो गया टू स्क्वार, थ्री स्क्वार के बदल, अगर 16 होता तो फोर स्क्वायर लिखते लेकिन यहाँ पर इस नंबर ने बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है थर्टी uh, सेवन uh, से फिफ्टी जा रहे हैं थर्टी से फिफ्टी मतलब आपने यहाँ पर नाइनटीन ऐड किया ठीक है बस यही है अगला टर्म हमें बताना है कितना हम ऐड करेंगे इस जगह पर तो डबल डिफरेंस लिख लो फाइव 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 तो ये फाइव से ही इंक्रीज होगा और अगर हम यहाँ नाइनटीन में फाइव ऐड करेंगे तो ट्वेंटी फोर आएगा और ट्वेंटी फोर का एडिशन यहाँ पर कर देते हैं तो फिफ्टी सिक्स में ट्वेंटी फोर का एडिशन अगर हम करेंगे तो एटी आएगा ऑप्शन बी सही है सेवेंटी फोर ठीक नहीं है एटी आएगा आंसर हाँ बिल्कुल ए के वर्मा करेक्ट है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखो क्या है फोर है सेवन है थर्टीन है ट्वेंटी फाइव है फोर्टी नाइन है क्वेश्चन मार्क है तो आप यहां पर डिफरेंस लिख सकते हो अदरवाइज ट्वेंटी फाइव से फोर्टी नाइन ट्वेंटी फाइव इंटू टू फिफ्टी होता है फिफ्टी माइनस वन करेंगे तो फोर्टी नाइन मिलेगा तो मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे डबल डिफरेंस लिखने से ज्यादा बेटर वेरी राइट right. आप लोगों ने भी यही किया है जितने बच्चों ने आंसर दिया है वेरी गुड स्टूडेंट बिल्कुल सही है तो आप चाहो तो डिफरेंस लिखो क्योंकि सीरीज़ आपकी इंक्रीज़ हो रही है आप बिल्कुल डिफरेंस लिख सकते हो अदरवाइज अगर हम डबल डिफरेंस नहीं लिखना चाहते तो एक प्रोसेस होता है कि हम नंबर्स को कनेक्ट करें उसके आसपास की संख्याओं से है ना तो आप फोर को अगर कनेक्ट करोगे सेवन से तो मल्टीप्लाई बाई टू माइनस वन बोल सकते हैं हम फोर इंटू टू एट माइनस वन सेवन तो ऐसे ही सेवन इंटू टू फोर्टीन माइनस वन थर्टीन इंटू टू ट्वेंटी सिक्स माइनस वन ट्वेंटी फाइव इंटू टू माइनस वन फोर्टी नाइन तो अब अगला टर्म आपका फोर्टी नाइन मल्टीप्लाई बाई टू माइनस वन ही होगा तो आंसर आ जाएगा नाइन्टी सेवन सही है कहाँ है नाइन्टी सेवन ऑप्शन डी है करेक्ट अच्छा टाइमर बाद में आ रहा है अगला क्वेश्चन करो कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम इन ट्वेंटी के बाद जो स्क्रीन पर है लिखे हुए ठीक है काफी सारे क्वेश्चन है देखते हैं कितना टाइम आप लोग लेते हो उस अकॉर्डिंग फोर्टी फाइव ऑड ऑड कैसे केस, हां हाँ हाँ सिंगल डिफरेंस से आ जाएगा दिग्विजय जाए। सिंगल डिफरेंस ऐसा होता है ना देखो डबल डिफरेंस क्यों बोलते हैं हम दिग्विजय हम डबल डिफरेंस तब बोलते हैं जो वन लाइन में डिफरेंस को ना समझ पाए जैसे सपोज कहीं पर सिक्स लिखा है एटीन लिखा है फिफ्टी फोर लिखा है तो दिख रहा है ना इंटू थ्री किया है तो हम फिफ्टी फोर के बाद अगला सीधे मल्टीप्लाई बाई थ्री करके सीधे ही लिखते हैं टू ट्वेंटी फोर लेकिन वन सिक्सटी सॉरी लेकिन क्या होता है कि जिन बच्चों को वन लाइन में डिफरेंस समझ में ना आए तो उनके लिए डबल डिफरेंस है कि एक बार और डिफरेंस लिख लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका और वो धीरे धीरे हैबिट में प्रैक्टिस में आकर के फिर इजी हो जाता है नाइन ऐड करो बोल रहे हो आप नाइन ऐड करो क्या है nine की टेबल है क्या? 50 से 59, है है क्या से से ठीक प्लस आपने किया पर 59 से अगला टर्म कितना स्टूडेंट फोर्टी वन तो आपने एटीन सब किया नाइन इंटू टू ठीक है सही है तो अगला क्या है नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन फिर अगला आप फिर यहाँ पर नेक्स्ट टर्म कितना लेकर के आए हो ठीक है थर्टी सिक्स आ जाएगा तो अब आप अगला नेक्स्ट टर्म 45 फाइव यहाँ पर ऐड करोगे प्लस 45 बोल सकते हो तो 32 में 45 हम ऐड करिए नाइन की टेबल है जो डिफरेंस हमने लिखा नाइन इंटू वन नाइन इंटू टू नाइन इंटू थ्री नाइन इंटू फोर नाइन इंटू फाइव तो नाइन इंटू सिक्स होगा और माइनस होगा तो हम माइनस फिफ्टी फोर करेंगे इस तरीके से सीरीज हमारी चलती चली जाएगी फ़िलहाल अभी तो हमें थर्टी टू में बताना है ये एंड सो ऑन ठीक है तो 32 में अगर आपको यहाँ पर बताना है और आप 45 फाइव ऐड करते हो तो आपका आंसर यहाँ से निकल के आएगा 77 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है ठीक है सबका सही है पहले नंबर्स को देख लो सभी लोग प्रॉपर एनालाइज कर लो मैं एरो बनाती हूँ यहाँ पर जिससे कि आप लोग हैबिट में रहोगे सेवन फाइव ये डिक्रीज हो रहा है फाइव सेवन सिक्सटीन सिक्सटी थ्री इनक्रीज हो रहा है लेकिन कोई पॉइंट नहीं है तो जब ऐसा होता है डिक्रीज इंक्रीज हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं मैंने आपको ये बात शुरुआत से समझाई है आज के सेशन में कम से कम चौथा क्वेश्चन होगा इस तरीके का कि हम इसमें कॉम्बिनेशन बनाते हैं अब कॉम्बिनेशन में तुम्हें पॉइंट फाइव से शुरू करना है वन से शुरू करना है वो आपकी चॉइस है टाइमर स्टार्ट करते हैं थ्री हंड्रेड फाइव अच्छा देखते हैं चलो थ्री हंड्रेड फाइव ऑप्शन है या नहीं है सभी लोग शेयर करो जल्दी से आंसर केवल एक आंसर दिख रहा है मुझे थ्री हंड्रेड नाइन थ्री हंड्रेड नाइन बी ऑप्शन है थ्री हंड्रेड फाइव बी ऑप्शन है अच्छा ये बताओ सेवन से फाइव माइनस टू है सीधे माइनस टू लिखे या मल्टीप्लाई बाय वन माइनस टू लिखे मल्टीप्लाई बाई वन माइनस टू लिखते हैं नहीं नहीं है, हाँ, point नहीं है। रोहन वो सही है क्योंकि point का कोई value ही नहीं है हमारे पास। तो टेन तो आएगा माइनस थ्री करना पड़ेगा देन मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस फोर करोगे चेक करो मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस फोर करने से बैलेंस होता है तो सेम प्रोसेस कंटिन्यू अगर रहेगी तो 17 से इधर अगला टर्म जब आप जाओगे नेक्स्ट टर्म तो मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस फाइव होना चाहिए और देन मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस सिक्स होना चाहिए तो सिक्सप्लाई बाय फाइव माइनस सिक्स हमारे क्वेश्चन के लिए बनेगा 305 नहीं आएगा फिर फिर 309 आएगा 305 नहीं आएगा हाँ 309 आएगा फिर ठीक है नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर एटीन ध्यान से एनालाइज करो पहले प्रॉपर नंबर्स किस तरीके से लिखे गए हैं उसी अकॉर्डिंगली फिर हम बढ़ते हैं देखते हैं कैसे यहां पर होना चाहिए क्या करना चाहिए पहले नंबर्स को एनालाइज करोगे प्रॉपर इलेवन है फोर्टीन है नाइनटीन है ट्वेंटी एट है फोर्टी थ्री है आराम से डिफरेंस लिख लो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एडिशन है ना डायरेक्टली तो डिफरेंस फायदेमंद होना चाहिए सिक्सटी सिक्स प्राइम नंबर प्राइम तो नहीं है प्राइम नंबर कहाँ है आप इलेवन से फोर्टीन जा रहे हो प्लस थ्री करते हो फोर्टीन से नाइनटीन प्लस फाइव 19 से ट्वेंटी एट प्लस नाइन पूरा चेक किया करो रोहन नाइन रहे हो यहां पर प्राइम नंबर नहीं है इस जगह पर बिल्कुल भी और ट्वेंटी एट से फिर आप फोर्टी थ्री जा रहे हो प्लस फिफ्टीन डबल डिफरेंस लिख लो अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो प्लस टू प्लस फोर प्लस सिक्स अगला प्लस एट तो 23 ऐड कर लो 43 में यहां पर आंसर बताओ फिर 66 बिल्कुल ठीक आंसर ऑप्शन सी मुश्किल क्वेश्चन था क्या काफी ऐसा लग रहा है मुझे बहुत मुश्किल क्वेश्चन था ये क्योंकि आंसर नहीं आया ना जल्दी इजी था तो इजी होता है आप पहले लाइन में पूरा डिफरेंस लिखो ऑड नंबर लिखते ही सीधे ऑड या प्राइम नंबर मत सोचा करो पहले पूरा लिख लिया करो क्योंकि वो ऑड सीरीज भी हो सकती है और वो प्राइम नंबर की सीरीज भी हो सकती है और हो सकता है ऑड और प्राइम वाला कोई कंसेप्ट ही ना हो ठीक है अगले क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन तो टू है सिक्सटी है टेन है वन ट्वेंटी है थर्टी है इंक्रीज हो रही है सीरीज डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है सैम वो प्रैक्टिस डेली रहेगी ना स्टूडेंट तो टाइम कम लगेगा इसीलिए नंबर सीरीज से शुरू किया क्योंकि आ, हर क्लास में नंबर सीरीज के क्वेश्चन अगर करने हैं तो एक बेसिक कंसेप्ट से तो स्टार्ट करके पहले क्लास देनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को जब वो प्रॉपर से समझेंगे तभी उसके आगे का स्टेप समझ सकते हैं तो ये क्लास बहुत ज़रूरी है फिर बेसिक क्वेश्चन के साथ है ना डिफरेंस तो नहीं लिख रहे आप लोग लिख रहे हो चलो टाइमर शुरू करते हैं डिफरेंस लिखना चाहते हो लिखो लेकिन हर क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं होता है पॉइंट नंबर फाइव क्या बताया था मैंने आपको कुछ भी स्क्वायर और क्यूब वैल्यू के आसपास की संख्याएं हो तो उन्हें बहुत ध्यान से नोटिस करना रोहन एंड श्रुति ठीक है कुछ भी स्क्वायर और क्यूब वैल्यू के आसपास होगा तो उसे बहुत ध्यान से नोटिस करना क्योंकि क्वेश्चन uh, इजी हो जाएगा आपका अगर ऐसा कुछ रिलेशन आपको मिला तो ठीक है अब यहाँ पर देखो टू है सिक्सटी है टेन है वन ट्वेंटी है थर्टी है कनेक्ट कर सकते हो आप वो स्क्वायर है या क्यूब है या भी uh, देखना पड़ेगा सोचना पड़ेगा कि स्क्वायर वैल्यू है या फिर क्यूब वैल्यू है तो टू है सिक्सटी है देखो टू को तो आप वन की पावर वन स्क्वायर प्लस वन लिख दो या वन क्यूब प्लस वन लिख दो कुछ भी लिख सकते हो तो इसके आगे का पहले सेटल करते हैं फिर इसके बारे में सोचेंगे ठीक है को कनेक्ट कर सकती हूँ से सिक्सटी फोर एक मिनट स्टूडेंट आपके कमेंट्स विजिबल नहीं हो रहे मुझे आंसर शेयर कर रहे हो आप लोग एक मिनट रुक जाओ बस हाँ अभी ठीक है तो यहाँ पर इसको मैं फ़ोर क्यूब माइनस फोर लिख सकती हूँ एट नहीं लिख रही हूँ अभी एट स्क्वायर माइनस फोर क्योंकि यहाँ वन है तो फिर एट में गैप थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ठीक देन टेन टेन को अगर हम कनेक्ट करें तो टेन को हम टू के क्यूब से कनेक्ट कर सकते हैं टू क्यूब लिख सकते हो आप इसे टू क्यूब प्लस टू देन वन ट्वेंटी इसको हम वन ट्वेंटी फाइव से कनेक्ट कर सकते हैं फाइव का क्यूब आप इसे फाइव क्यूब माइनस फाइव लिख सकते हो देन थर्टी आप इसे ट्वेंटी सेवन से कनेक्ट करो थ्री क्यूब प्लस थ्री आप इसे लिख सकते हो तो सब क्यूब भी लिखा है इसलिए इसको भी हम वन क्यूब प्लस वन लिख देते हैं अब जब इस तरीके से आपने सिक्वेंस को देखा होगा तो आपको यहाँ पर दो सीरीज़ नज़र आई होंगी एक वन टू थ्री ऑल्टरनेट पे और एक ये वाला फोर देन फाइव तो ये वाला कनेक्टेड है तो उसके बाद यहाँ पर सिक्स क्यूब माइनस सिक्स आएगा टू हंड्रेड सिक्सटीन माइनस सिक्स करोगे तो टू हंड्रेड टेन हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा जो ऑप्शन डी है ठीक है अगले क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन अभी आज के सेशन में काफ़ी बार कर लिया है तो मुझे लगता है ट्वेंटी सेकेंड का टाइमर दे करके आपको क्वेश्चन दे देना चाहिए ठीक है ना सॉल्व करिए वन ज़ीरो थ्री टू वन ज़ीरो थ्री टू ऑप्शन डी और वन ज़ीरो टू ज़ीरो ऑप्शन सी कितने आंसर हैं इस क्वेश्चन में एक ही आंसर होगा ना लॉजिक जानना है अभी मुझे आंसर तो मैं दिखाई दूंगी आप लॉजिक मुझे बताओगे क्या है का आंसर ऑप्शन ए है वो भी डबल डिफरेंस पर आप कर सकते हो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है सैम वेरी राइट ऑप्शन ए है और इसे आप ही लोग सॉल्व करोगे अब क्योंकि मैं डिफरेंस दोबारा लिखने वाली नहीं हूँ अगर आप इसे मल्टीप्लिकेशन uh, का कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हो तो आप इसे सिंपल डबल डिफरेंस से सॉल्व कर लेते आपका क्वेश्चन हो जाता ठीक है इसे चेक कर लेना बिल्कुल ठीक है सैम चलो अब मैं लिख रही हूं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां पर थोड़े से अलग चलते हैं तैयार हो बोलो रेडी हाँ ठीक है रोहन कोई प्रॉब्लम नहीं है मल्टीप्लिकेशन एडिशन का कॉम्बिनेशन बना लो या डबल डिफरेंस लिख लो चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए तो फर्स्ट टर्म 83 है उसके बाद 81 है देन 90 है देन 62 है 127 है अगला आपको बता रॉन्ग नंबर सीरीज आ, हाँ रॉन्ग नंबर सीरीज ही बता दो रॉन्ग नंबर सीरीज हो सकती है इसमें एक बताओ उसमें कौन सा टर्म गलत है एक टर्म है जो गलत है कौन सा गलत है बता दीजिए 127, 127 वन ट्वेंटी सेवन गलत है वन थर्टी सेवन तो लिखा ही नहीं है मैंने कहीं वन ट्वेंटी सेवन है अच्छा एक बात बताओ एटी थ्री से एटी वन माइनस इधर प्लस माइनस प्लस फिर माइनस ऐसे ही होगा तो डिफरेंस लिख लो ना इनके बीच में कितना है आप यहां पर माइनस टू कर रहे हो ठीक है यहां नाइन ऐड करते हो देन आपको यहां ट्वेंटी एट सब करना पड़ेगा देन आप यहाँ ऐड कर रहे हो मुझे तो ये सीरीज सही दिख रही है इसको लिख सकते हो आप वन क्यूब प्लस वन देखो आप इसे लिख सकते हो टू क्यूब प्लस वन इसे आप लिख सकते हो थ्री क्यूब प्लस वन इसे आप लिख सकते हो फोर क्यूब प्लस वन तो अगला टर्म फाइव क्यू प्लस वन होना चाहिए यानी कि आपको वन ट्वेंटी सिक्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो टेन नहीं आएगा इस जगह पर ये गलत है इसकी जगह यहां पर सिर्फ वन आना चाहिए ठीक है क्या अभी चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देती हूँ एक काम करते हैं आप लोगों को थोड़ा आराम से सोचने का वक्त मिल जाएगा मैं होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ और फिर मुझे कल बताना आंसर इसका ठीक है तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर और आपको रॉन्ग टर्म फाइंड द रोंग टर्म इन द सीरीज दे देते नेक्स्ट टर्म ना दे करके गलत टर्म बताओ सीरीज में कौन सा है ये दे देते ठीक है तो बताना मुझे थ्री है फाइव है थर्टीन है वन ट्वेंटी है फोर एटी नाइन है इसमें एक टर्म गलत है कौन सा है आप आंसर मार्क करना दूसरा है फाइव ट्वेंटी सिक्स फोर्टी वन फोर सेवेंटी टू सेवन हंड्रेड फोर हंड्रेड एट सेवन सिक्सटी नाइन ठीक तीसरा है सेवन ट्वेंटी फोर थ्री टू जीरो एट सिक्स फाइव थ्री फोर फाइव सिक्स वन वन फाइव टू टू थ्री जीरो फोर चलो तीन ही देते हैं तीन ही क्वेश्चन करो आज ठीक है आंसर कमेंट बॉक्स में देना सारे बच्चे right, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से फिर एक बार मैं टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर देती हूं डन तो एंकर एस एस सी ट्वेंटी, ट्वेंटी ये हमारा एक बहुत ही अच्छा बैच एस एस सी के लिए निकल के आ रहा है स्टूडेंट एक कंप्लीट कोर्स है जो बच्चे सभी एस एस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सी एच एस एल सी जी एल टीयर वन टीयर टू सी पी ओ उन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मास्टर कोर्स हमने लॉन्च किया है इसके फीचर्स आप एक बार देख लीजिए 320 प्लस लाइव क्लासेस इसमें आपको मिलेंगी 500 प्लस लाइव आवर्स इसमें मिलेंगे 250 प्लस पीडीएफ डी एफ़ हैं सिक्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन 20 प्लस मॉक टेस्ट लाइव डाउट क्लासेस आपकी होंगी इंडिविजुअल डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस आपकी होंगी आप सारे सेशंस लाइव ऑनलाइन बेंचर्स ऐप एंड वेबसाइट पर देख सकते हैं तो इस इंफॉर्मेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऑफ़र दिया गया है स्टूडेंट को उसका फ़ायदा उठाइए आप में से जो भी बच्चे क्लास में हैं जिनके पास अभी तक ऑनलाइन बेंचर्स ऐप नहीं है तो वो प्ले स्टोर से जाकर के ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए आपके साथ लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है बुक मिलेगी रोहन कुछ टाइम के बाद बुक भी मिलेगी ठीक है अभी तो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे बाद में आपको बुक भी मिलेगी बिल्कुल तो आज का सेशन इतना ही था आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो इस सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा इसे लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को एस एस सी बेंचर्स ऑनलाइन बेंचर्स एस एस सी रेलवे एग्जाम्स इसे आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आइकन प्रेस करें जिससे कि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी कल फिर मिलते हैं स्टूडेंट सेम टाइम पर अपना ख्याल रखें स्टे सेफ बाय एंड टेक केयर